विजय देवोकोंडा साउथ इंडिया के जाने माने एक्टर हैं, जो आज एक ग्लोबल स्टार बन चुके हैं। उन्हें किसी परिचय की जरूरत नहीं है। आज वो अपना 35वां जन्मदिन मना रहे हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम आपको बताते हैं विजय की जिंदगी से जुड़े कुछ ऐसे किस्सों के बारे में जो शायद ही आपको पता होंगे। विजय देवोकोंडा का जन्म 9 मई 1989 को हैदराबाद में हुआ। विजय के पिता देवोकोंडा गोवर्धन राव साउथ इंडियन टीवी स्टार थे, इसी वजह से उन्होंने भी एक्टर बनने का सोचा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो विजय देवोकोंडा की जिंदगी में एक ऐसा भी वक्त आया जब उनके पास पेट भरने तक के पैसे नहीं थे। वो अपना रेंट भी चुका नहीं पा रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें काम मिलने लगा और उनकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। जब विजय कॉलेज में आए तो उन्हें कॉलेज जाना बिल्कुल पसंद नहीं था, जिसकी वजह से वो कॉलेज बंक करके थिएटर जाने लगे। करीब 5 प्ले करने के बाद ही उन्हें फिल्मों से ऑफर आने लगे। विजय ने अपने मूवी करियर की शुरुआत साल 2011 में आई फिल्म नुविल्ला से की थी, जिसे काफी पसंद किया गया। जिसके बाद साल 2017 में विजय को फिल्म अर्जुन रेड्डी मिली, जिसने उनकी किस्मत को बदल कर रख दिया। इस फिल्म के लिए विजय को बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड तेलुगु भी मिला था। बता दें कि बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर कबीर सिंह अर्जुन रेड्डी का ही रीमेक थी। अर्जुन रेड्डी के बाद विजय देवोकोंडा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। करीब 12 साल के एक्टिंग करियर में विजय देवोकोंडा 17 फिल्मों में नजर आ चुके हैं, जिसमें बॉलीवुड फिल्म लाइगर भी शामिल है। पर्सनल लाइफ की बात करें तो विजय रश्मिका मंदाना के साथ अपने रिलेशनशिप को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं, लेकिन दोनों में से किसी ने भी अभी तक इस पर अपनी कन्फर्मेशन नहीं दी है कि वो डेट कर रहे हैं। हाल ही में विजय ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि वो लव मैरिज करेंगे, लेकिन वो शादी तभी करेंगे जब उनके पेरेंट्स उनके पार्टनर को अप्रूव कर देंगे। विजय देवोकोंडा की नेटवर्थ की बात करें तो उनकी नेटवर्थ करीब 55 करोड़ रुपए है। वो सिर्फ एक एक्टर ही नहीं बल्कि एक नामी प्रोड्यूसर भी हैं। विजय देवोकोंडा की कमाई सिर्फ फिल्मों से ही नहीं बल्कि अन्य चीजों में किए गए निवेश, ब्रांड्स एंडोर्समेंट से भी होती है। विजय देवोकोंडा का अपना एक क्लोदिंग ब्रांड भी है, जिसका नाम राउडी यू है। एक्टर ने इस क्लोदिंग बिजनेस की शुरुआत 2020 में की थी। विजय देवोकोंडा आपको कैसे लगते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और उनकी कौन सी फिल्म आपकी फेवरेट है ये भी हमें बताना ना भूलें। और ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए स्टोरी हाउ को सब्सक्राइब जरूर करें।